खबर मध्य प्रदेश के बड़वा से, जहां पर नावघाट खेड़ी नर्मदा नदी में पलटी नाव। 9 लोगों की गोताखोरों ने बचाई जान व साथ ही साथ 2 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश अभी जारी है। मां नर्मदा नदी को परिवार सदस्यों द्वारा मन्नत की चुनरी उड़ाते समय नाव अचानक पुल से टकराने से हुआ बड़ा हादसा। मौके पर पहुंचे खंडवा एडिशनल SP प्रकाश परिहार व साथ ही साथ खरगोन SP शैलेंद्र चौहान। वारदात का निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ इसकी जांच शुरू की गई है। IBN 24 न्यूज के लिए सुनील परिहार की रिपोर्ट। तो नर्मदा जी को चुन्नी उड़ा रहे थे, तो हम बैठे हुए थे दुकान पे चाय के, तो पटेल साहब चिल्लाए, बोले बाबू भाई दौड़ो नाव डूब गई। तो फटाफट पटेल साहब ने दौड़ा, तो हमारी 3 नाव जो टूटी उन पर पकड़ने के लिए, तो तीनों नाव हमारी गई भैया। तो देखा कि फटाफट हम कूद गए, तो मैंने देखा कि अरे पिल्लर करने को होता हमारा, तो 3 लेडीज होती वहाँ नीचे पानी में डूबी हुई, तीनों को ऊपर लाया और रेलवे पुल के पिल्लर को मैंने ऐसा पकड़ लिया और फिर देख लिया कि नाव अब मेरे पास में आ गई। तो एक बेहोश हो गई थी, 2 को हस्तात मैंने कहा बेटे मेरे हाथ में झूम जाओ, और मैंने रेलवे पुल के पिल्लर को पकड़ रखा। इतनी देर मेरे कहने नाव आ गई, फिर नाव में फटाफट उनको रखे तीनों लेडीजों को, और फिर बाकी नाव भी नीचे बैठे गए, चारों को फिर पटेल साहब और ये बचा के लाए नाव से। कुल कितने लोगों को बचा लिया गया और कितने लोग लापता है? ये अभी 8 जनों को बचा लाए भैया, बाकी कितने थे नाव में ये हमको पता नहीं है कि कितने थे वो नाव। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये रहने वाले सनात के थे जी। मिली है उसमें कुछ परिवारजन जो है वो मांग चढ़ाने के लिए यहाँ पे आए थे, अपना जो नर्मदा नदी का तट है मोरटक्का के पास से, और वो एक नाव पे सब सवार थे करीब 11 लोग, और बीच इसमें आकर यहाँ पे जो ये पिलर्स हैं इसकी पुल की उससे टकरा के कहीं ना कहीं वो पलट गई नाव, और जो 11 लोग थे वो पानी में गिर गए। और तत्काल जो मौके पे लोग मौजूद थे उनके द्वारा प्रयास करके 9 लोगों को बचाया गया है, और 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं। इन लोगों का पता लगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द उनको ट्रेस किया जाए। इसमें जैसा कि आज मोरटक्का माफी सुरलाय के सोनकर समाज के लगभग 11 लोग, उन्होंने कोई मान रखी थी नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाने के लिए, ये लोग नाव में सवार हुए। और जैसा कि नर्मदा नदी में टोटल 24 पिलर हैं, ये खेड़ी घाट खंडवा की ओर से ये बैठते हैं, और नाव चलते चलते जो 9वें नंबर का पिलर है उधर से 14वां नंबर, बड़वा की ओर से 9वां नंबर, यहाँ पर आकर के अचानक जो चुनरी किसी पिलर के उससे टकरा जाती है, चुनरी फंस जाती है, और उसी का झटका लगने से नाव एकदम लहराती है, और लहराने के बाद अनबैलेंस होकर नाव डूब जाती है। इसमें करीब 11 लोग डूब गए थे, उसमें से 9 लोगों को तत्काल जो यहाँ के गोताखोर हैं बाबूलाल आपके बड़वा के, इन्होंने देखा और भी नाविक गए, तो इन्होंने 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। 2 लोग मिसिंग हैं जिसमें हिना उम्र 32 वर्ष, वाइफ ऑफ जितेश वर्मा, और जितेश के जीजाजी जितेंद्र, ये 2 लोग अभी मिसिंग हैं, जिनके लिए लगातार रेस्क्यू टीम। नाव चालक की पहचान हो गई सर? नाव टीचर जैसे सर वाहनों का फिटनेस होता है साल में एक बार, तो क्या सर नाव के कोई फिटनेस के कोई उसका जांच होती है प्रति वर्ष? बिल्कुल, नाव की भी फिटनेस की जांच होती है, और इसमें जहां जिसकी गलती है उसको हम दोबारा चेक करवा रहे हैं। जैसा कि SP खरगोन साहब, DIG खरगोन भी आए थे सभी घटनास्थल पर, उन्होंने भी ये निर्देश दिए।